जलपरियों के होने की सच्चाई। जलपरी यह शब्द ही अपने आप में बहुत ही रोमांच और रहस्य का अनुभव करवाने वाला है। जलपरी की कल्पना करते ही मन कहानियों और उपन्यासों के संसार में पहुंच जाता है, जिन्हें हमने अपने बचपन में सुना, पढ़ा और देखा है। लेकिन मन में यह सवाल तब भी उठता था और आज भी उठता है कि क्या वाकई में जलपरी होती है या पहले कभी हुई है, क्या वाकई में उनका कोई अस्तित्व कभी था। हालांकि अभी तक जलपरी के मिलने की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती है कि जलपरी शायद कभी इस धरती का हिस्सा थी। आइए जानते हैं कि जलपरी के अस्तित्व से जुड़ी ये रोचक बातें। रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमच्छा, जिसका आधा शरीर कन्या का और आधा मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमच्छा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण किया जा रहा था, और वानर सेना को परेशान करती थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। माना जाता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन ने भी मरने के बाद जलपरी का रूप धारण कर लिया था, और वह नाविकों को आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी कि क्या उसका भाई जिंदा है। कहते हैं कि नाविक यदि यह जवाब देते कि हाँ भाई जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वह पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती, और कोई दूसरा जवाब देता तो वह समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबा देती थी। जलपरी को अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं। फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूप जल मानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती हैं। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और यह रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के युग में जलपरी का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। महाभारत में मत्स्य गंधा का जिक्र आया है, जिनका विवाह शांतनु से हुआ था। इनके पुत्र ही महर्षि वेदव्यास हुए थे। इनके जन्म के विषय में भी कथा मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था, जो एक अप्सरा थी और श्राप के कारण मछली बन गई थी। आज के युग में भी जलपरी के अस्तित्व को लेकर हमेशा चर्चा बना रहता है। देखिए यह वीडियो जो कैमरा में कैद किया गया है, किस तरह से यह मरमेड आपको दिख रहा है। साउथ अफ्रीका में साल 2013 में एक लड़की जो नदी के किनारे घूम रही थी, अचानक एक आवाज उसको आती है। फिर वो देखती है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। वो देखती है कि वो कोई आवाज इंसान की तो नहीं लग रही है। वो एक जलपरी थी। समुद्र के एक किनारे पे वो आवाज दे रही थी मदद के लिए। फिर वो लड़की जाके उसको धक्का देती है और वो पानी में तैरने लगती है। KI इंडोनेशिया। यहाँ कहा जाता है कि अक्सर ही जलपरी देखी जाती है। यहाँ पहली बार जलपरी तब देखी गई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इंडोनेशिया में जापान की सेना कंट्रोल कर रही थी। उनमें से 100 से ज्यादा सैनिक KI आइलैंड में थे। उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय उन्होंने कई बार कुछ जलपरियों को देखा है और वो उनसे बात करने के लिए आती हैं। ये भी कहना था कि ये जलपरी बहुत ही डरावनी लग रही थी। उनके दांत बहुत ही डरावने लग रहे थे। जब वहाँ के लोकल लोगों से सैनिकों ने पूछताछ किया तो उन लोगों ने कहा, यहाँ तो जलपरी हमेशा देखने को मिलती है। फ्लोरिडा अमेरिका की ये वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे आप। मरमेड यहाँ मरी हुई पाई गई, जिसे देख कोई भी डर जाए। इसके लंबे लंबे बाल, जिसके चेहरा बहुत ही डरावना है, आप भी इसे देखकर बिल्कुल ही डर जाएंगे। जब न्यूजीलैंड में एक मछुआरा मछली पकड़ने गया, उसने दूर से एक अजीब सा जीव देखा। जब नजदीक जाकर देखा और कुछ नहीं, वह जलपरी ही थी। एक सच्ची कहानी है। 6 मार्च 2013 की ये तस्वीर।
जब दो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, अचानक एक हाथ का पंजा दिखाई दिया। आखिर क्या था ये? ये अजीब सा कुछ चीज है, देख के डर गए। आखिर आप क्या सोच रहे हैं, क्या है? दोस्तों ये कुछ तो जलपरी जैसा ही लग रहा है। मेक्सिको की ये कहानी है, जब कुछ लोग वहाँ घूम रहे थे, उनके हाथ में कैमरा था, उनके कैमरे में एक अजीब सा चीज रिकॉर्ड हो गया। जब रिकॉर्ड हुए कैमरे में दोबारा देखा गया तो वह जलपरी ही थी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।